डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता के लिए जनता मालिक है इस देश की, ये लोकशाही का कॉन्सेप्ट है। मगर जनता को मालिक कोई नहीं मान रहा है, हकीकत में जनता तो नौकर से भी गई गुजरी है, ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है सरकारी दफ्तरों के साथ। और ये बदलने के लिए सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा साधन था। करप्शन की भी हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर हम भ्रष्टाचार को रोकने में या कम करने में फेल हो गए। और उसकी वजह है, एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि पाश्चात्य देशों में हर सरकारी दफ्तर में विजिलेंस सेल नहीं होता है, अपने यहाँ हर सरकारी दफ्तर में विजिलेंस सेल करीब करीब होता है, वो कुछ नाकाम रहता है। इसके लिए अपने एंटी करप्शन ब्यूरो लगाया, वो काम नहीं करता है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो भी काम नहीं करता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो भी काम नहीं करता है तो लाखों लोग रास्ते पे आए बोले हमें लोकपाल चाहिए। अब लोकपाल भी बन गया, 3 साल से है कुछ काम धाम करता नहीं है, तो ये सब फेल है। भ्रष्टाचार रोकने को मेरे हिसाब से नागरिकों को छोड़ के और कोई बेटर एजेंसी नहीं हो सकती, उनको पता तो चलेगी क्या है। और ये उजागर करने के लिए लोगों ने बहुत बार कोशिश की है, कुछ कुछ कोशिशें कामयाब भी हुई है, मगर अभी दो प्रकार के चीज हो गए हैं। 81J जो व्यक्तिगत सूचना के लिए है, उसको कई लोगों ने कानून का गलत अर्थ निकाल के, अर्थ ही नहीं, कानून को अपने आप अमेंड करके डिसीजन देना शुरू कर दिया। मगर कुछ ईमानदार लोग, जैसे मैंने देखा है राहुल सिंह जी के ऑर्डर्स, वो इस तरह का वाकया नहीं लेते हैं। तो ये समझ लीजिए 81J कुछ सर्वे के हिसाब से 35% के ऊपर रिजेक्शन 81J पे हो रहे हैं लास्ट जो है 81 year, और सिर्फ वो है, उसको छोड़ के बाकी सब इंफॉर्मेशन देनी है, कानून ने लिखा है। सेक्शन 11 ऑब्जेक्शन कोई एग्जम्पशन नहीं है, थर्ड पार्टी कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये सब घड़ी हुई बात है, कानून के विरुद्ध बात है। अब इसको अमेंड करने की बात चल रही है। एक इसका एक छोटा सा आपको बात ये भी बता दूं कि पहले सरकार ने ही 2005 में 12 अक्टूबर से ये कानून अमल में आया, और मार्च अप्रैल 2006 तक तो कानून को संशोधन करने की बात शुरू हो गई थी। वो 81 का स्कोप बढ़ाना चाहते थे, देश भर में प्रोटेस्ट हुए और सितंबर में करीब उन्होंने छोड़ दिया, बोला हम नहीं अमेंड करेंगे इसको। इसके बाद दो और प्रयत्न हुए थे यूपीए गवर्नमेंट ने, अगेन लोगों के विरोध की वजह से वो ड्रॉप कर दिए गए। इस सरकार ने भी पहली जो उसकी गवर्नर गवर्नमेंट थी तब कोशिश की थी, उसको छोड़ दिया। दूसरी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने पहले कामों में एक ये किया कि अमेंड किया कानून को। हम लोग ये कहते थे कि इस कानून को अमेंड मत कीजिए, कोई संशोधन मत कीजिए, ये कानून बहुत बेहतर है, दुनिया का बेस्ट कानून है, अपने देश के लिए सही कानून है। मगर उन्होंने बदली ये की कि कमिश्नर्स की पोजीशंस और उनकी सैलरीज और उनके लिए उनके टेन्योर को बदल लेके अधिकार खुद ले लिया कानून में न देते हुए। तब भी काफी विरोध हुआ था, ये मैं आपको सबको बताऊं कि लोगों ने विरोध किया था मगर सरकार ने वो पारित कर दिया। अब जो बात है वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत .30(2) में है, जिसमें लिखा है कि सूचना के अधिकार का 81J अमेंड कर दो। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ये जो प्रावधान है, क्या इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट है, नहीं देनी है सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। अब व्यक्तिगत तो आपका नाम व्यक्तिगत है, आपकी उम्र व्यक्तिगत है, हर कुछ जो व्यक्ति के साथ लगता है वो व्यक्तिगत सूचना है, और अंग्रेजी में कहें तो पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, 99% जो हम सूचना मांगते हैं सरकार से वो पब्लिक रिकॉर्ड्स है, अगर पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है। अपवाद ऐसे हैं कि समझ लीजिए रेड डाली किसी के घर पे और कुछ मिला, कुछ फोटोग्राफ मिले, कुछ हुआ,
किसी के कॉल को इंटरसेप्ट किया है, उसने कोई प्राइवेट बात की है, ये अपवाद रूप है। बाकी 99% जो सरकार में रिकॉर्ड्स है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स है। पब्लिक, किसी ने मुझे ये सवाल पूछा कि मैं खाना खाता हूं, वो क्या बताना पड़ेगा? अब सवाल ये है कि आप घर में खाना खाते हैं तो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, तो वो आरटीआई के तहत आता ही नहीं है। मगर यदि सरकारी खर्चे पे आपने खाना खाया होटल में और वो बिल प्रेजेंट किया, तो वो बिल जानने का, देखने का जनता को अधिकार है, क्योंकि जनता मालिक है। या किसी जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा। अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से भाषा की। अंग्रेजी में प्राइवेसी शब्द है, प्राइवेसी शब्द का अर्थ एकांतता नहीं होता है। एकांतता का अंग्रेजी वर्ड है सॉलिट्यूड, अकेला रहना। प्राइवेसी के लिए मुझे ढंग से शब्द मिल नहीं रहा है कहीं पे, मगर एक चीज समझ ले कि जो ऐसी सूचना की जो दूसरों को नहीं मालूम होनी चाहिए, मेरे घर में क्या होता है दूसरों को नहीं मालूम होना चाहिए, मैं मेरे बाथरूम में क्या करता हूँ दूसरों को नहीं मालूम होना चाहिए, अगर किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट किया किसी पे, इसकी डिटेल लोगों को नहीं मालूम होना चाहिए। तो पुट्टस्वामी जजमेंट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया, मगर वो 550 पेज का जजमेंट आप पढ़िए, क्लियर गाइडलाइन नहीं मिलती है कि किसको प्राइवेसी कहा जाए। वो उन्होंने तो ये बहुत सारी थियरी बहुत झाड़ दी, बहुत कोटेशन दुनिया भर के डाल दिए, मगर ये कहा कि प्राइवेसी क्या है ये कहना मुश्किल है और केस टू केस डिसीशन लेना होगा। अब इसका मतलब क्या, अगर आप करने की कोशिश करें तो पागल हो जाएंगे। हर पीआईओ को प्राइवेसी का इश्यू आए तब सुप्रीम कोर्ट में जाए और इसका निर्णय ले, इसका मतलब तो एक ही निकलता है और कोई निकलता नहीं है। मगर ये प्रॉब्लम समझ के ये कानून ड्राफ्ट करते वक्त एक परंतु रखा गया इसके लिए, सिर्फ 81J के लिए रखा, परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथा स्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा। और भी एक प्रोविजन है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो सूचना दी जा सकती है, पर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एस्टैब्लिश करना काफी कठिन होता है, और बहुत कम ऐसे मैंने निर्णय देखे हैं जहां पे किसी ने कहा हो कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है मगर बिगर पब्लिक इंटरेस्ट इसके लिए देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकाले, ये जो लास्ट लाइन है, मेरे हिसाब से इसका एक ही मतलब निकल सकता है। अगर किसी को और कोई मतलब दिखाई दे तो मैं बड़ी खुशी से समझने की कोशिश करूंगा। जो सूचना पार्लियामेंट को या विधिमंडल को नहीं देंगे ये कैसे तय होगा? मेरे हिसाब से जो भी क्लेम करता है कि 81J के तहत ये एग्जेप्ट है, उसी को ये स्टेटमेंट करना होगा कि मेरे हिसाब से ये सूचना मैं पार्लियामेंट को नहीं दूंगा या विधिमंडल को नहीं दूंगा। अब ये क्या हिसाब से ये तय करना चाहिए? आर्टिकल 19(2) में लिखा है कि किन मुद्दों पे आर्टिकल 19(1)(a) का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बाधा डाली जा सकती है, रुकावट डाली जा सकती है। उसमें दो ही शब्द है प्राइवेसी के साथ जोड़े हुए, डिसेंसी और मोरालिटी। जो अभद्रता हो, जो मोरालिटी के खिलाफ हो, वो नहीं देना चाहिए। राजगोपाल जजमेंट में भी ये पहले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको प्राइवेसी के दायरे में आता है, मगर जो पब्लिक रिकॉर्ड है वो 99% प्राइवेसी नहीं क्लेम कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऐसी इंडिसेंट या वल्गर कुछ है, ऐसी चीजों को एग्जेम्प्ट करके। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2), आर राजगोपाल का जजमेंट और आरटीआई का कानून, ये सब कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे से मेल रखते हैं। अब ये उन्होंने कहा है, कई लोग व्यक्तिगत सूचना समझ के, पर्सनल इंफॉर्मेशन समझ के नहीं देते हैं, आज भी ये परिस्थिति है, मगर उम्मीद है कि राहुल सिंह जैसे और अच्छे कमिश्नर्स होंगे, अच्छे पीआईओस होंगे, और ऐसे हैं भी जो सूचना देते हैं कानून के हिसाब से, मना नहीं करते हैं। अब इसको वो बदलना चाहते हैं ताकि जो गैर कानूनी कारोबार अभी डिनाइज हो रही है उसको कानूनी बना दी जाए। लंबे शब्दों का ये सेक्शन है, उसको सिर्फ 60 शब्दों में पलट, सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है वो नहीं देना है, 60 शब्द लंबे के बगैर। और ये 7 शब्द कितने डिवास्टेटिंग हो सकते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के इलीगली
क्या क्या सूचना डिनाई की गई है कई जगहों पे, डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने, फेक मार्क्स, फेक एम्प्लॉइज, फेक मास्टर कार्ड्स। अरे अगर मैं सोचूं तो जिस मूवमेंट से आरटीआई शुरू हुआ देश में, एमकेएसएस का मूवमेंट था, वो मास्टर कार्ड्स के लिए था। अगर ये कानून होता, ऐसा अपेंड किया हुआ कि व्यक्तिगत सूचना नहीं देंगे तो मास्टर कार्ड भी नहीं मिलते, अगर उस जमाने में ऐसा आरटीआई कानून होता ये अमेंडमेंट के बाद जैसे प्रपोज किया गया है, तो वो भी नहीं मिलता, सूचना का अधिकार खत्म हो जाएगा। मर्जी आएगी तो सूचना देंगे, मर्जी आएगी तो नहीं देंगे, व्यक्तिगत कह देंगे, हर तरह से व्यक्तिगत बहुत व्यापक इसका स्कोप है। अगर किसी ने चिट्ठी लिखी तो व्यक्तिगत है, और व्यक्ति मतलब क्या, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एनी ज्यूरिस्टिक पर्सन, करीब करीब पत्थर को छोड़ के सबको पर्सन कह दिया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने। तो पर्सनल मतलब रिलेटिंग टू अ पर्सन। अगर आप कहेंगे कि मुझे फलाने ऑर्डर का कॉपी दो, तो बोलेंगे नहीं, वो जो जिस कंपनी को ऑर्डर दिया है उसका पर्सनल है। अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बताइए, नहीं देंगे क्योंकि पर्सनल है। एमएलए फंड तो आज भी कहीं कहीं रिजेक्ट हो रहे हैं पर्सनल बोल के। मैंने एक सरल सा पूछा था आज के कानून में, पर ये इलीगल डिनायल है। मैंने पूछा था डीओपीटी को कि नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स हूज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। नंबर, सिर्फ नंबर मांगे थे, कोई नाम नहीं। PIO DOPT ने रिजेक्ट कर दिया, बोले पर्सनल, रिलेटिंग टू पर्सन। इसको अगर लीगल बना दे, अभी तक इलीगल डिनायल है ये, और ये समझती है सरकार भी, समझती है लोग भी, समझ रहे हैं। और ये इलीगल डिनायल सुप्रीम कोर्ट ने भी बैक किया है, मैं मना नहीं करूंगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखेंगे तो ये सब इलीगल है, देना ही नहीं चाहिए, मगर कानून के हिसाब से देना चाहिए। और ये समझ आ गई है लोगों को, इसके लिए कानून को अमेंड करेंगे। अगर कानून को अमेंड कर दिया तो हर सूचना जो नहीं देनी है वो नहीं देंगी थियोरेटिकली। तो अगर आप अपना खुद का आंसर शीट मांगेंगे तो कहेंगे पर्सनल है। कहाँ लिखा है कि प्राइवेसी होना चाहिए? कुछ नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट? कुछ नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है पार्लियामेंट को नहीं देना, ये तो आपको नहीं देंगे? नहीं, नहीं लिखा है। इस कानून से ये सूचना देने वाला कानून हटके सूचना डिनाय करने का कानून बन जाएगा। PIOs, कमिश्नर्स, कोई आप चाहते हुए भी वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे अगर पारदर्शिता के में उनका कॉन्फिडेंस है, अगर उनकी कमिटमेंट है पारदर्शिता पे। तो भी अगर मैं भी कमिश्नर होता तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि जब कानून क्लियर कहता है कि सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, और PIO कहेगा ये व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, क्या बलबूते पे दिया जा सकता है? ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, इसके सामने हमें विरोध करना चाहिए, वेबिनार करने चाहिए, लिखना चाहिए। मैटी ने ऑब्जेक्शन मंगाया है, ये भी इन ऑल फेयरनेस कह दूं, ये सरकार ने ये नहीं कहा कि कानून बन गया, अभी ड्राफ्ट रखा है, मसौदा रखा है, और कहा है कि ऑब्जेक्शन में। तो गवर्नमेंट को भी लिखे हैं हम सब जगह से, पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट ले, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका सपोर्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका न ले उसका न ले, सबका सपोर्ट लीजिए, मगर इसके लिए बहुत चर्चा करनी जरूरत है। ये हमारा मूलभूत अधिकार पे बहुत बड़ा वार है। अगर ये पास हो गया हम चुप रहे, और ये भी नहीं कहता हूँ कि सरकार ने जानबूझ के किया, ये भी मुमकिन है कि डेटा प्रोटेक्शन में उनको लगा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो लगा कि ये 820 आड़े आएगा। हमें ये सरकार को मनाना चाहिए कि हमारा ये कानून एक कानून है हमारा, इस देश के नागरिकों का, जो हमें पावर देता है कुछ, इसको मत छेड़िए। ये 810 को तो बिल्कुल मत छेड़िए, और सरकार को मना भी सकते हैं। 1947 में फॉरेन सरकार को हमने भेज दिया वापस, तो इस देश के नागरिक अगर चाहें तो इसको भी रोक सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, मेरी कहने की बात गलत है, तो जरूर मुझे समझाइए, मैं समझने को तैयार हूँ। धन्यवाद।